रात को जाएगा -22। बोलिया तेरी तो लगने वाली है। Look at the mountains, roads less traveled in the night. Our journey unravels, winter breeze, freezing touch. The road trip adventure we won't rush. रुक तो सही, बाल तो अच्छे होने दे। क्या बोलता है पार्थ? सही है। और कंघी मिली कि नहीं मिली तेरी? मिली ना मेरे को, मैं आज लेके आया स्पेशल। स्पेशल लेके आया? हाँ, याद रखकर। हैं? याद करके। याद करके, ठीक है। लांगजा विजिट करने के बाद हम लोग धीरे से जा रहे हैं कॉमिक की ओर, क्योंकि यहाँ से थोड़ी हाइट पे है और द लास्ट विलेज जहाँ तक मोटरेबल रोड अवेलेबल है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ना मेरी और सुमित की, क्या बोलता है सुमित, सही है कि नहीं? हम दोनों की ना एक इच्छा थी कॉमिक में नाइट होल्ड करने की, जब लास्ट टाइम हम लोग आए ना कॉमिक या किप्पर, तो किप्पर हम मेरा तो हो गया, सुमित का बाकी है, ठीक है। और अभी क्या है, विंटर की वजह से ना ज़्यादा तो होमस्टेज बंद होते हैं, तो पर शायद नहीं 99% कॉमिक वाला होमस्टे, क्योंकि वहाँ पे एक ही होमस्टे है और वहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्रीज है, छोटी सी एक मोनेस्ट्री है जो कि बुद्धिस्ट कल्चरल का स्टडी करवाती है मॉन्क्स को, और वहाँ पे ना गिने चुने 15-20 मॉन्क्स ही है और कोई रेसिडेंसी है नहीं वहाँ पे, यानी कि कोई रेगुलर पब्लिक वहाँ रहती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो विंटर में समर में जो होम स्टे चालू रहता है ना, वो एक होम स्टे है छोटा सा, वो एक बंदा चलाता है, वो एक किम का आदमी है, ठीक है, वो फिर बंद कर देता है विंटर के टाइम पे, ठीक है। देखते हैं, मिलते हैं आपको कॉमिक। लांगजा के बाद आज दूसरा डेस्टिनेशन हमारा होने वाला था कॉमिक, वन ऑफ द बेस्ट साइट है स्पीति वैली की, और ऑलमोस्ट 15,000-30 फीट की हाइट पे बसा हुआ गांव है। वैसे इसको गांव तो नहीं बोल सकते, 10-15 घर है और एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, क्योंकि बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री इसमें गिना जाता है स्पीति वैली की, जिसका ओरिजिनल नाम तो वैसे टैंग्यूट गोम्पा यानी कि मोनेस्ट्री बोल सकते हो, बट कॉमिक फेमस होने की वजह से उसे कॉमिक मोनेस्ट्री कहा जाता है। वैसे आपको होल्ड करना है तो कॉमिक में ऐसा कोई आपको होमस्टे या फिर गेस्ट हाउसेस तो भूल ही जाओ, होमस्टे भी नहीं है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि होमस्टे के तौर पे भी चलता है, तो यदि आपको जगह मिल जाती है वहाँ तो रुक सकते हो, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से लांगजा या फिर इक्की, यदि आपको होमस्टे का मज़ा लेना है तो, अदरवाइज काजा तो है ही। आपका फिर से एक बार स्वागत है, कितनी बार स्वागत करवाओगे बे, सलमान खान थोड़ी ना है। हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विथ मोटरेबल रोड विलेज कॉमिक, पॉपुलेशन 114 लोग, सिर्फ 114 लोग रहते हैं इधर, और एल्टीट्यूड है 4,587 यानी कि ऑलमोस्ट 15,030 फीट की हाइट पे है, यानी 15,030 फीट के बाद यहाँ से ऊपर कोई ऐसा विलेज नहीं है जो मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। बट यहाँ पे ना मैं करेक्शन करना चाहूंगा, शायद ये बोर्ड पुराना है, क्योंकि आज की डेट में डैम चौक जहाँ पिछली बार हम लोग जाके आए और आपने शायद वीडियो भी देखे होंगे उमलिंगला वाले सीरीज का, तो डैम चौक ऐसा गांव है इंडिया का जो ऑलमोस्ट 19,000 प्लस फीट की हाइट है, तो शायद ये बोर्ड ना कोई मायने नहीं रखता है। बट ठीक है, स्पीति आते हो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है विजिट के लिए, आपको यहाँ आना है तो मस्ट विजिटेड प्लेस है कॉमिक। ये ना क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो जब भी आओ ध्यान रखो क्लॉकवाइज घुमाना इसको। और ये है कॉमिक मॉनेस्ट्री, एकदम सिंपल सॉबर। ओ क्या बात है, अभी भी मड है, पूरा मड हाउस की तरह है, एकदम सिंपल सॉबर। देख लीजिए ये रूम्स है, जो नंबर लिखे ऊपर वो रूम्स है जो स्टूडेंट है उनको रहने के लिए।
अभी वैसे बंद है, और ये हिमालयन नेक्टर किचन 4587 यानी 15030 ऑलमोस्ट कॉमिक मॉनेस्ट्री सामने, और उसके सामने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। ठीक है, शायद कोई होगा नहीं आज, तो विंटर की वजह से बंद होगा। नहीं है भाई कोई, और मेरा करेक्शन है फिर भी। आप लोग हंसोगे यार ये क्या कर रहा है। नहीं, करेक्शन होता है तो आपका नॉलेज भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो हम लोग जाके आए तो उमलिंगला 19,000 प्लस फीट की हाइट पे बीआरओ का कैफे है, और वहाँ से थोड़ा सा पहले चिजुमले जो ऑलमोस्ट 18,500 फीट की हाइट पे है, तो वहाँ पे भी तो एक कैफे है। तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कैसे रहा। ठीक है यार, चलो ये करेक्शन कर दीजिएगा आप लोग भी। Snow-capped mountains, roads less traveled in the Himalayas, our journey. और पूरे कॉमिक में ना गिने चुने 5 टूरिस्ट हैं हम। क्या बात है, क्या हुआ, कौवा दिखा तेरे को? हाँ, ये कौवा दिखता रहता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल है छोटी सी इधर। ठीक है, बस अभी ठंड का आलम पूछो ही मत, और हमारा कॉमिक का विजिट यहाँ हम ख़त्म करते हैं। अभी हम जाएंगे हिक्किम की ओर, और हिक्किम जाना जाता है उसकी पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, तो आपको मिलता है हिक्किम। यहाँ से टन है, देख यहाँ से ऑफ ड्राइव मिलेगा तेरे को, पर थोड़ा रिवर्स लेकर टन ले। ये ना ऑफ ड्राइव वाला जो कच्चा रास्ता है ना, वो जाता है हिक्किम की ओर।